यूपी पंचायत चुनाव को लेकर नया आदेश। योगी सरकार के एक फैसले से कई मौजूदा प्रधान और नए उम्मीदवार इस बार नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। इसी बीच एक आरक्षण को लेकर भी अपडेट है कि आरक्षण सूची में इस बार बदल जाएगा सीटों का आरक्षण। तो चलिए जानते हैं कि आपके गांव में कौन सी सीट किस वर्ग के लिए होने जा रही है आरक्षित। इस वीडियो में देंगे हम आपको सभी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें यूपी में इस समय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। 25 दिसंबर की रात से प्रदेश में 58,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में अब लोगों को चुनाव का इंतजार है। हालांकि वोटर लिस्ट, आरक्षण सूची और परिसीमन का काम अंतिम चरण में है। ऐसे में संभावना है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाए। एसीबी सरकार के एक आदेश से 25 दिसंबर को अपना कार्यकाल पूरा कर चुके ग्राम प्रधान संसद में हैं। दरअसल ग्राम प्रधानों ने अपने कार्यकाल में सरकारी पैसे को कहां का कितना इस्तेमाल किया है, इसकी जाँच शुरू होने वाली है। इस जांच के बाद इसमें गड़बड़ी पाई गई तो कई मौजूदा ग्राम प्रधानों का इस बार चुनाव लड़ने पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। चलिए जानते हैं यूपी पंचायत चुनाव के कुछ बदलावों के बारे में। तो आपको बता दें पंचायत चुनाव 31 मार्च से पहले खत्म हो जाएं, इसीलिए योगी सरकार अपने कील कांटे दुरुस्त कर रही है। इस बार योगी सरकार पढ़े लिखे प्रधानों को गाँव के विकास कार्य की बागडोर सौंपना चाह रही है। इसलिए ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। अब अंगूठा टेक व्यक्ति का प्रधान, ब्लॉक प्रमुख अथवा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पाना मुश्किल होगा। चलिए जानते हैं कि इस नए कानून को लागू करने के पीछे सरकार की क्या है मंशा। सूत्रों का कहना है कि अनपढ़ ग्राम प्रधान को विकास की योजनाओं को ठीक से समझने में दिक्कत आती है। वित्तीय खातों का संचालन पंचायत सचिवों के भरोसे चलता है। ऐसे हालात में वित्तीय अनियमितताओं की संभावना बनी रहती है। पंचायत प्रतिनिधियों का पढ़ा लिखा होना अनिवार्य किए जाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक वातावरण तैयार करने में भी सहायता मिलेगी। मार्च 2021 में पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ कराने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच आपको बता दें पंचायती राज मंत्री उत्तर प्रदेश भूपेंद्र सिंह चौधरी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के संपूर्ण विकास और सुधार के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। सरकार चुनाव कराने की तैयारियों में जुटी है। शैक्षिक योग्यता एवं दो बच्चों वाले नियम पर विचार हो रहा है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि दरअसल पंचायत चुनाव में टू चाइल्ड पॉलिसी की बहस ने 11 जुलाई के बाद तूल पकड़ा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा। संजीव बालियान ने मांग की कि यूपी में आने वाले पंचायत चुनाव में उन्हीं को चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए जिनके 2 से ज्यादा बच्चे नहीं है। उन्होंने अपने पत्र में उत्तराखंड राज्य में बने कानून का हवाला दिया। बालियान ने कहा कि प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर समस्या है और इस बारे में एक समग्र नीति बनाने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब